मुरैना से देखिए बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुमावली के पिपरसा गांव में फायरिंग हुई है। बूथ पर कब्जा कर जबरन वोट डाले गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाला के समर्थकों पर आरोप लगा है, मतदाता की पर्ची फाड़कर मारपीट, एक घायल। तो हालांकि फायरिंग की खबर इससे पहले भी सामने आई थी, लेकिन अगर ऐसा न किया जाए तो शायद एक मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर हम बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी फायरिंग की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब फिर से ये खबर मिल रही है कि गांव में फिर से फायरिंग हुई है। बीजेपी प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाना के समर्थकों पर आरोप लगा है, मतदाताओं की बता रहे हैं कि पर्ची फाड़ी गई, मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। फिलहाल ये घायल युवक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि मतदाता की पर्ची फाड़ी गई है। और भारी पुलिस बल अब तैनात हो गया है, और उमेश अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। उमेश, उससे पहले भी जब हमने चर्चा की थी तो फायरिंग की खबर सामने आई थी, अब एक बार फिर से यहाँ पे फायरिंग हुई है और बीजेपी प्रत्याशी इंदल सिंह कंसाना के समर्थकों पर आरोप लगा है। बिल्कुल करिश्माई, जैसे सुबह से हम बता रहे थे, सुमावली विधानसभा में लगातार फायरिंग की जो घटनाएं वो सामने आ रही हैं, और लगभग एक दर्जन से अधिक जो विधानसभा क्षेत्र, सुमावली का जो विधानसभा क्षेत्र के जो गांव है उनमें गोलीबारी की घटना सामने आई है। आज जो सुमावली का पिपरसा गांव है वहां गोलीबारी की एक और सूचना अभी हाल ही में मिली है। बूथ पर कब्जा और जबरन जो वोट डालने का जो आरोप है वो जो बीजेपी के सुमावली के जो प्रत्याशी है इंदल सिंह कंसाना पर लग रहा है। वही जो ग्रामीण है उनका कहना यह है कि जो मतदाता पर्ची भी हमारी फाड़कर हमारे साथ मारपीट की है, और हालांकि मौके पर एसपी और कलेक्टर दोनों पहुंचे हैं, उनसे जो ग्रामीण है वो शिकायत भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने इस शिकायत पर और ना ही अभी तक जो गोलीबारी उसमें कोई किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम ना हो तो बेहतर रहेगा, और तभी शायद मतदाता वोट करने के लिए जा पाएगा, लेकिन अभी भी कई सारी आशंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच देखिए मुरैना से खबर, सुमावली विधानसभा में मतदान के दौरान फायरिंग हुई। पचौरी के पुरा और धर्मजीत के पुरा में फायरिंग की गई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद की स्थिति बनी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि फायरिंग का यह घटनाक्रम इससे पहले सामने आया था, पुलिस के सामने ही फायरिंग हुई। मतदान को लेकर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़े। पुलिस के सामने ही ये फायरिंग की गई है, मतदान को लेकर बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़े हैं। धर्मजीत के पुरा में ये फायरिंग हुई है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है। गाड़ी बजाई।